विदेशों में बैठे ठगों ने भारतीयों को लगाई 250 करोड़ रुपए की चपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज, मैं अर्चित। तो चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो कि विदेश में बैठे व्यापारियों ठग ने एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भारतीयों को 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की चपत लगाई है। विदेशों के इन ठगों ने लोगों को 15 दिनों में पैसे दोगुना करने का लालच दिया था। 3 स्थानीय राज्य को पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ठगों के एक भारतीय साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ एसटीएफ के अनुसार ये मामला 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो सकता है। इस मामले में अभी भी विवेचना के बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। साइबर ठगी के इतिहास में एसटीएफ उत्तराखंड की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। इसका खुलासा करते हुए उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता एडीजी अभिनव कुमार ने बताया कि रोहित कुमार निवासी श्यामपुर और राहुल कुमार गोयल निवासी कनखल हरिद्वार ने साइबर थाने को एक शिकायत की थी। शिकायत के अनुसार दोनों ने गूगल प्ले स्टोर से पावर बैंक नाम से एक एप्लीकेशन डाउनलोड की। निवेश संबंधी इस एप्लीकेशन में 15 दिनों में पैसा दोगुना करने का दावा किया गया है। इस लालच में आकर दोनों ने क्रमशः 91,000 और 73,000 रुपए गंवा दिए। इन मामले में साइबर थाने में 2 मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू की गई है। जिन बैंकों खातों ऑनलाइन वॉलेट में धनराशि ट्रांसफर हुई उनकी जानकारी ली गई है। पता चला कि रोजर पे और पेयू वॉलेट के माध्यम से ये पैसा ICICI और पेटीएम बैंक के खातों में गया है। आगे जांच में आया कि पेटीएम बैंक का खाता प्रमुख संदिग्ध खाता है और इसका संचालन पवन कुमार पांडे निवासी सेक्टर 99 नोएडा कर रहा है। एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह की अगुवाई में पवन कुमार पांडे को मंगलवार को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया गया है। पवन कुमार के खिलाफ अनियमितता जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है।